यार आने वाला वक्त कार मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। मार्केट में आपको ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसका अंदाज़ा आप MG की कॉमेट EV को देखकर लगा सकते हैं। अगर पहली बार आपने इस गाड़ी को देखा होगा तो कुछ टाटा की नैनो जैसी फीलिंग आई होगी, लेकिन यार ये नैनो नहीं है, ये है कॉमेट EV। दोस्तों MG कॉमेट EV को 7,98,000 रुपये में लॉन्च किया गया है। तो अगर इस प्राइस रेंज की बात करें तो इसको केवल एक ही गाड़ी टाटा टियागो कम्पीट करती है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों EV कारों को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि यदि आपका बजट 10 लाख रुपए है और आप एक EV गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए टियागो या कॉमेट में से कौन बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले दोनों कारों के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखा जाए तो लेंथ जो है कॉमेट और टियागो EV की, कॉमेट 795 मिलीमीटर छोटी है टियागो EV से इसकी लंबाई। वहीं अगर विड्थ की बात की जाए तो 172 मिलीमीटर छोटी है कॉमेट टियागो EV से। वहीं हाइट की बात की जाए तो हाइट जरूर कॉमेट की ऊंची है, आपको 104 मिलीमीटर ऊंची मिलेगी टाटा टियागो से कॉमेट। वहीं व्हील बेस की बात की जाए तो व्हील बेस भी टियागो EV का ज़्यादा है, टियागो EV का करीब 2400 मिलीमीटर है, वहीं कॉमेट का 2010 मिलीमीटर है, तो 390 मिलीमीटर व्हीलबेस ज़्यादा है टियागो EV का। तो यार यहाँ देख सकते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस में तो बहुत अंतर है, दोनों गाड़ियाँ कहीं से भी एक दूसरे को मैच नहीं करती हैं। तो यार MG वालों ने कॉमेट को डिज़ाइन ही कुछ इस प्रकार से किया है कि जिन्हें डेली ऑफिस जाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और सकरी गलियों में जाना है, तो कुछ उस हिसाब से डेली पर्पस को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। वहीं आप कॉमेट को देखोगे तो इसमें केवल 2 डोर हैं, यानी पीछे की सीट पर बैठना है तो आगे के डोर से ही सीट को आगे फोल्ड करके तब पीछे आप जा पाओगे। कुछ थार जैसा इसमें आपको सिस्टम है, थार में जैसे आगे की सीट की जाती है उसके बाद आप पीछे बैठ सकते हैं, तो वैसे इसमें देखने को मिलेगा। वहीं टाटा टियागो में आपको 4 डोर मिल जाते हैं जिसमें आगे के डोर आगे के पैसेंजर्स के लिए हैं और पीछे के डोर पीछे के पैसेंजर्स के लिए, तो इसमें बैठने में और उतरने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहीं कॉमेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं टियागो में आपको आगे और पीछे दोनों पैसेंजर्स के लिए विंडो मिल जाती है, जबकि कॉमेट में पीछे विंडो तो मिलती है लेकिन आप उसे खोल नहीं सकते हैं, तो ये एक कमी है कॉमेट में। तो यार MG वालों का ये मानना है कि अक्सर देखा गया है कि गाड़ियों में 2 लोग ही ट्रेवल करते हैं, पीछे की सीट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की टर्निंग रेडियस की। तो जिसका टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उसे ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि गाड़ी उतनी कम जगह में ही मुड़ जाती है और पार्किंग वगैरह करने में उतनी ज़्यादा आसानी रहती है। तो कॉमेट का जो टर्निंग रेडियस है वो 4.2 मीटर का है, वहीं टाटा टियागो EV का 5.1 मीटर का है। तो यहाँ देख सकते हैं कि MG कॉमेट को इसका फ़ायदा मिलता है, इस गाड़ी को आप कम जगह में मोड़ सकते हैं टियागो के कंपैरिजन में। अगर बात करें बूट स्पेस की तो इस मामले में कॉमेट निराश करती है, क्योंकि यहाँ बूट स्पेस नहीं है, या कह सकते हैं कि ना के समान है। आप अगर सब्जी लेने गए हैं तो जो थैली में सब्जी मिलती है वो आप लेकर के थोड़ा बहुत रख सकते हैं किलो दो किलो, लेकिन यदि आप पीछे की सीट्स को जो कि 50:50 जो रेशियो से स्प्लिट हो जाती हैं तो उसे अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो आपको ठीक ठाक वहाँ स्पेस मिल जाता है। तो अगर आप एक सीट को फोल्ड कर दें तो 3 पैसेंजर्स आसानी से बैठ जाएंगे, बाकी सामान भी आपका बन जाएगा, या फिर दोनों सीट को कर दें तो आप 2 पैसेंजर आ गए हैं, तो अच्छा खासा आपको वहाँ स्पेस मिल जाता है और वहाँ सामान रख सकते हैं, लेकिन सीट फोल्ड करने के बाद। जबकि टियागो EV में 240 लीटर का बूट स्पेस अलग से दिया गया है, तो टियागो EV में आराम से 4 से 5 जो है पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और उनका सामान भी आसानी से रखा रहेगा। तो ये एक कमी है कॉमेट के अंदर कि वहाँ आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है। तो चलो आप कॉमेट के बैटरी और मोटर की बात कर लेते हैं। तो MG कॉमेट में आपको 17.3 kWh की बैटरी पैक मिलता है जो आपको 40.14 VHP का पावर देता है और 110 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इसकी रेंज 230 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, बट रियल लाइफ में क्या देती है वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो अगर इसे हम कंपेयर करते हैं टियागो EV के 19.2 kWh बैटरी पैक वाले के साथ, तो आप देखेंगे कि बैटरी जो कॉमेट में है वो आपको करीब 1.9 kWh की छोटी मिलती है, पावर आपको जो है टियागो EV में अच्छा खासा मिल जाता है 60.34 VHP का, जबकि यहाँ आपको 41.4
2.2 bhp का मिलता है, तो यानी 18.92 bhp कम पावर मिलता है आपको कॉमेट में। वहीं टॉर्क दोनों कारों का लगभग बराबर है, और रेंज की बात की जाए तो रेंज भी आपको कॉमेट में कम मिलती है टियागो ईवी के कंपैरिजन में, क्योंकि टियागो में 250 किलोमीटर की रेंज कंपनी ऑफर करती है, तो करीब 20 किलोमीटर कॉमेट में आपको रेंज कम मिलती है। वहीं चार्जिंग की बात करें तो दोनों गाड़ियां एसी चार्जर से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं, तो चार्जिंग टाइम दोनों गाड़ियों का सिमिलर ही है। वहीं टियागो में एक और बैटरी पैक मिल जाता है, तो यदि उससे कंपेयर करते हैं तो फासला और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि टियागो में जो इसका एक और वेरिएंट है उसमें 24 kWh की बैटरी मिल जाती है, और पावर भी आपको 73.75 bhp का मिल जाता है। टॉर्क भी आपको करीब 4 Nm का टॉर्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है कॉमेट के कंपैरिजन में। तो यार यहाँ रेंज भी देख सकते हैं आपकी टाटा टियागो में 315 किलोमीटर की मिल जाती है, आपकी यहाँ आपको रेंज 230 किलोमीटर की, तो करीब 85 किलोमीटर की रेंज टाटा टियागो में ज़्यादा मिल जाती है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 24 किलोवाट की बैटरी को 3.3 किलोवाट के चार्जर से करीब 9 घंटे लग जाते हैं चार्ज होने में, जबकि टियागो के टॉप वेरिएंट में 7.2 किलोवाट के फास्ट चार्जर साथ में मिलता है, तो उससे करीब 3.5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि टियागो में आपको बड़ी बैटरी के साथ ज़्यादा रेंज मिल जाती है, और टॉप वेरिएंट में आपको फास्ट चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। अब अगर दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के बारे में बात करें तो टियागो ईवी का ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें टियागो को 4-star सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन कॉमेट अभी नई है, नई लॉन्च हुई है, तो इसका अभी तक कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन बाकी अगर MG की अदर गाड़ियों की कंपेरिजन में देखा जाए तो उनकी जो है बिल्ड क्वालिटी सही रहती है, तो कॉमेट से भी कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये भी अच्छी होगी। वहीं सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको AVS विद EBD, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट, रिमाइंडर जैसे कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं दोनों ईवी कारों के एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स आदि के बारे में कि क्या क्या फीचर्स इन दोनों कारों में मिलते हैं। तो यार YouTube पर कॉमेट के बारे में बहुत पढ़ा चढ़ाकर इसके फीचर्स के बारे में बताया जा रहा था, तो चलो अब देख लेते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कॉमेट में तो मिल जाते हैं लेकिन टियागो में नहीं मिलते हैं। तो कॉमेट में LED हेडलैम्प दिए गए हैं, जबकि टियागो में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। भले ही LED हेडलैम्प देखने में प्रीमियम लगते हों, लेकिन LED या प्रोजेक्टर हेडलैम्प दोनों का लाइट थ्रो होता है वो लगभग बराबर ही होता है। इसके साथ ही कॉमेट में LED टेल लैंप दिए गए हैं, जबकि टियागो में हैलोजन टेल लैंप दिए गए हैं। कॉमेट में फ्रंट और रियर दोनों तरफ कनेक्टेड LED लाइट दी गई है, जो आजकल ट्रेंड में भी चल रही है। आप देख सकते हैं कई गाड़ियों में आपको ये कनेक्टेड लाइट देखने को मिल रही है आजकल, लेकिन टियागो में ये नहीं मिल रही है। कॉमेट के पीछे की सीट को आप 50:50 कर सकते हैं, यानी कि फोल्ड कर सकते हैं, जबकि टियागो में ऐसा नहीं है। कॉमेट में पीछे फॉग लैंप दिए गए हैं, जबकि टियागो में आगे आपको फॉग लैंप मिलते हैं। अब अगर दोनों के इंटीरियर की बात करें तो कॉमेट में डुअल टच स्क्रीन मिलती है, जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो 10.25 इंच का है, जो देखने में काफ़ी बड़ा है और अच्छा लग रहा है। इसी तरह 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है इसमें। वहीं टियागो में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो मिलता है, लेकिन वह काफ़ी छोटा है। वहीं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो केवल 7 इंच का मिलता है इसमें। तो कॉमेट में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है वो है डुअल स्क्रीन, जिसे बार बार हाईलाइट किया जा रहा था। अब अगर उन फीचर्स की बात करें जो टियागो में तो मिल जाते हैं लेकिन कॉमेट में नहीं मिलते हैं, तो वो है लेदरेट सीट्स। टियागो की म्यूजिक सिस्टम में आपको 8 स्पीकर मिल जाते हैं, जबकि कॉमेट में केवल 2 ही दिए गए हैं। कॉमेट की रियर पैसेंजर के लिए कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, जबकि टियागो में मिल जाता है। इसके साथ ही टियागो में क्रूज कंट्रोल, रियर वाइपर वॉशर, डीफॉगर, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, कूल ग्लव बॉक्स, पार्सल ट्रे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइविंग मोड जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो कॉमेट में नहीं मिलेंगे। तो ये थे वो फीचर्स जो टियागो में तो मिल जाते हैं लेकिन कॉमेट में नहीं मिल पाते हैं। अब अगर वारंटी ऑफर की बात करें तो टियागो ईवी की गाड़ी के ऊपर 3 साल या 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, वहीं टियागो के बैटरी में 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जो भी पहले हो जाए। वहीं MG कॉमेट की बात करें तो इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन MG कॉमेट से उम्मीद की जा रही है कि इसकी गाड़ी पर आपको अप टू 5 ईयर्स की वारंटी मिल सकती है, और बैटरी पर आपको 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। अब अगर दोनों के प्राइसिंग की बात करें
तो टियागो ई भी 869,000 रुपये एक्स रूप से स्टार्ट होती है और 12 लाख रुपये तक जाती है। वहीं कॉमेट की बेस वेरिएंट की प्राइस केवल आपको यहाँ 798,000 यानी करीब 8 लाख रुपए रखे गए हैं एक्सो रूम। तो अभी कॉमेट के केवल स्टार्टिंग प्राइस आए हैं, हो सकता है इसका जो टॉप वेरिएंट आए वो करीब 11 लाख रुपए करीब आए, तो टियागो से इसका टॉप वेरिएंट करीब 1 लाख रुपये सस्ता हो सकता है। अभी कॉमेट के टॉप मॉडल के प्राइस के बारे में केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं जब तक कंपनी इसे डिस्क्लोज नहीं करती है। तो यार ओवरऑल देखा जाए तो करीब 70 से 1 लाख रुपए के डिफरेंस में आपको टियागो में क्या कुछ ज़्यादा मिल जा रहा है, जिसमें है एक बड़ी बैटरी, ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा स्पेस है, आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जा रहा है, 4 डोर फ्रंट और रियर पैसेंजर्स के लिए मिल जा रहे हैं, और एक ऐसी गाड़ी जिसे आप सिटी में तो ड्राइव कर ही सकते हैं, यदि आपको कहीं बाहर भी जाना पड़े, थोड़ी लॉन्ग ड्राइव भी करना पड़े तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जबकि कॉमेट एक छोटी गाड़ी है जिसे सिटी में ही ड्राइव करना आसान होगा, हाईवे वगैरह पर ज़्यादा स्पीड में इसे चलाना ज़्यादा सेफ नहीं होगा। तो भाई करीब 70 से 1 लाख रुपए के कम में कॉमेट में आपको क्या कुछ नहीं मिल रहा है ये तो आप जान ही गए होंगे। बाकी यार यदि आपकी फैमिली छोटी है जिसमें 2 छोटे बच्चे या फिर आपकी जो है मोस्टली रनिंग वो सिटी में रहती है, या आपके शहर में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, पार्किंग के थोड़ा इशू है, या फिर केवल आपको लोकल में ही गाड़ी चलाना है, तो कॉमेट आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन यदि इन कंडीशंस के अलावा जो भी हैं वो आपके हैं बजट में, तो फिर आपके लिए टियागो बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में, कौन आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, टियागो या कॉमेट? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।